फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक अकेडमी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंकरेंसी ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टॉपिक है तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक कोशिश करूंगी कि इजी वे में अंडरस्टैंड करवाओ आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंकरेंसी कंकरेंसी का मतलब क्या होता है कंकरेंसी का मतलब होता है जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होती हैं लेकिन सीक्वेंस में तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं कंकरेंसी तो क्या होता है ये कब होता है कंकरेंसी प्रोसेस तब होती है जब बहुत सारे प्रोसेस थ्रेड पर्ल में रन कर रहे होंगे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में तो कंकरेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है तो रनिंग प्रोसेस जो भी हमारी होती है वो एक दूसरे के कम्युनिकेट करती है अब कैसे करती है दो वेज में या तो शेयर के थ्रू कम्युनिकेशन हो जाएगी या तो मैसेज पासिंग के थ्रू कंकरेंसी की वजह से क्या हो जाता है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जैसे डेडलॉक की प्रॉब्लम आ जाएगी रिसोर्स रिसोर्सेशन की ये दो टॉपिक्स हम अलग से एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेकेंड अब हमारे पास जो कंकरेंसी है लेकिन कुछ चीज़ों में ये मदद भी करती है जैसे ये एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस जो है उनकी कॉर्डिनेशन में हेल्प करती है शेड्यूलिंग में हेल्प करती है ताकि हमें आउटपुट जो है थ्रोपुट जो है वो काफ़ी मैक्सिमाइज हो पाए थोड़ा सा देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंकरेंसी हमारे दो तरह की प्रोसेस होती हैं एक होती है इंटरलिट प्रोसेस और सेकेंड वन होती है प्रोसेस प्रोसेस दोनों दोनों जो है, ये ये कंकरेंट कंकरेंट की की एक ठीक है, है? ये इसकी में आएंगी किसकी सेकंड चीज अगर हम देखेंगे अगर एग्जीक्यूशन की स्पीड हम देखना चाहें तो वो हम ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन वो स्पीड डिपेंड करती है कुछ चीजों पर सबसे पहले डिपेंड करेगी कि जो हमारी प्रोसेस है उनकी एक्टिविटीज क्या है प्रोसेस कैसे एक्ट कर रही है सेकेंड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंटरेप्ट uh, आते हैं उनको हैंडल कैसे कर रहा है किसी इंटरप्ट में तो काफ़ी टाइम लगेगा किसी इंटरप्ट में कम लगेगा तो अकॉर्डिंग टू दैट हम स्पीड uh, मैटर करती है और सेकंड जो शेड्यूलिंग पॉलिसीज होती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की उसके अकॉर्डिंग भी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो भी मैटर करती है सेकेंड हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कनकरेंसी की एक प्रॉब्लम जो है दैट इज़ द शेयरिंग ग्लोबल रिसोर्स अगर दो प्रोसेस हैं वो ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ कर रही हैं दोनों को एक ही प्रोसेस दोनों कर रही है रीड एंड राइट ऑपरेशन सेम पे, तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है, तो है uh, एग्जीक्यूट कर रही है तो डिफिकल्टी तो आती है थर्ड कंकरेंसी में है वो है हमारी प्रोग्रामिंग uh, एरर्स हम uh, अपने एरर्स को जल्दी से लोकेट नहीं कर सकते हैं. बहुत मुश्किल है क्यों ऐसा क्यों है क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत वो तो बिल्कुल भी रिप्रोड्यूसेबल नहीं होती हैं अब लॉकिंग चैनल की बात अगर करेंगे तो अगर चैनल को हमें लॉग करना है कर्न में तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी कुछ एडवेंटेज भी हैं लेकिन हमारी कर्न के पहला एडवांटेज मल्टीपल एप्लीकेशन जो है तो सेम टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकती हैं जो पल्लल में होंगी रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो काफ़ी बेटर है एवरेज रिस्पॉन्स टाइम की बात करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इन केस ऑफ दिस कनकरेंसी कनकरेंसी में और परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो दैट मीन्स इसमें कुछ एडवेंटेज भी हैं लेकिन साथ ही साथ में कुछ डिसएडवेंटेज भी हैं आप थोड़े से ड्रॉबैक्स भी देखते हैं इसमें और कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सबसे पहले इसमें मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं हम तो एक दूसरे से उन एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी बन जाता है सेकेंड हमारे पास अगर इन मल्टीपल एप्लीकेशन को कॉर्डिनेट करवाना है तो उसके लिए हमें कुछ एडिशनल मकैनिज्म चाहिए होगा तो कुछ डिफिकल्ट uh, हो जाता है ये इसका वन ऑफ द ड्रॉबैक है थर्ड हमारे पास अगर परफॉर्मेंस uh, की बात करेंगे तो कुछ एडिशनल परफॉर्मेंस ओवरहेड हमें चाहिए होंगे अपने कंकरेंसी में क्योंकि uh, बहुत सारे थ्रेड्स और बहुत सारी जो प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट कर रही हैं सेम टाइम पे तो मुश्किल हो जाए हो जाएगी यहाँ पे और सिंगल हमारे पास जो भी कनकर जो ये कनकरेंसी है इसकी वजह से परफॉर्मेंस जो ओवरऑल सिस्टम की है वो काफ़ी डिग्रेड हो सकती है तो आई होप ये छोटा सा लेक्चर था आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा तो इसी तरह से आप सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को ताकि आपको अगले लेक्चर्स भी मिलते रहें तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के